CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम झगड़ूमल बंदर और मगरमच्छ की कहानी सुनाएंगे। इंद्र वारिस द्वारा लिखे इस आलेख को प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज मैं तुम्हारे लिए एक मजेदार कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी है बंदर और मगरमच्छ की। तो लो सुनो ये कहानी। बहुत पुराने जमाने की बात है कि एक बार एक नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। उस जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था और नदी में एक मगरमच्छ रहता था। सूरज के निकलने पर जैसे ही सुबह होती थी, मगरमच्छ नदी के पानी से बाहर निकलकर किनारे की रेत पर आकर लेट जाता था। भाई उसे सुबह की धूप बहुत अच्छी लगती थी। रेत पर पड़ा पड़ा वो धूप खाता और जामुन के पेड़ को देखता रहता था। उस जामुन के पेड़ पर जो बंदर रहता था वो बड़े मजे से उस पेड़ पर जामुन खाता रहता था। कभी इधर कूदता कभी उधर। कभी कभी वो बंदर कुछ जामुन नीचे भी गिरा देता था। जामुनों के गिरने की आवाज से जब मगरमच्छ की नींद टूटती तो वो धीरे धीरे सरकता और उन जामुनों को गप से खा जाता। उससे वो मीठे मीठे जामुन बड़े ही अच्छे लगते। धीरे धीरे मगरमच्छ की बंदर से बहुत पक्की दोस्ती हो गई। वो मगरमच्छ रोज सुबह होते ही रेत पर आकर लेट जाता और जामुन खाता रहता। दोपहर होते ही जब कड़ी धूप हो जाती तो वो पानी के अंदर चला जाता। एक बार ऐसे ही दोपहर को जब वो पानी के अंदर जा रहा था तो बंदर ने अपने दोस्त मगरमच्छ को आवाज दी और कहा, ए भैया मगरमच्छ, कुछ जामुन तो हमारी भाभी के लिए भी लेते जाओ। बंदर ने ये कहकर ढेर सारे जामुन उसे दे दिए। अब मगरमच्छ उन जामुनों को लेकर पानी के अंदर चला गया। पानी के अंदर पहुंचकर उसने अपनी बीवी को वो जामुन खिलाए। मगरमच्छ ने अपनी बीवी को बताया कि ये जामुन तो मेरे दोस्त बंदर ने दिए हैं। वो जामुन के पेड़ पर ही रहता है और खूब जामुन खाता है। मगरमच्छ की बीवी ने सोचा कि ये जामुन तो बड़े ही मीठे हैं और ये बंदर रोज ही इन मीठे जामुनों को खाता रहता है तो इस बंदर का कलेजा कितना मीठा होगा। अगर मैं इस बंदर का कलेजा खा जाऊं अरे तो बस बड़ा मजा आ जाए।
ऐसा सोचकर उसने मगरमच्छ से कहा, ए जी सुनते हो, मेरे लिए उसी बंदर का कलेजा ले आओ, नहीं तो मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। हां, दूसरे दिन मगरमच्छ बंदर के पास गया तो बोला, बंदर भैया, दोपहर को तो बड़ी तेज धूप होती है और बड़ी गर्मी पड़ती है, तुम हमेशा पेड़ पर ही बैठे रहते हो, अरे कभी मेरे साथ चलकर नदी के पानी की भी सैर करो। बंदर बोला, भैया मगरमच्छ, मुझे तैरना नहीं आता, मैं तो इस नदी के पानी में डूब जाऊंगा। मगरमच्छ बोला, अरे भाई, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना, मैं तुम्हें पानी की सैर करा दूंगा। ये सुनकर बंदर ने कहा, अच्छा भाई ठीक है, पर अभी तो दोपहर है, सूरज जब छिप जाएगा और शाम हो जाएगी ना, तो सैर करने में बड़ा मजा आएगा, तभी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब भाई दोपहर बीती, सूरज छिपने लगा और शाम हो गई। मगरमच्छ नदी के पानी से बाहर निकला और पेड़ के नीचे रेत पर आ गया। वो बंदर से बोला, बंदर भैया, बंदर भैया, मैं आ गया हूँ, और वो देखो सूरज डूब रहा है, अब तो शाम हो गई है ना। बंदर झटपट नीचे उतरा और बोला, देख रहा हूँ मगरमच्छ भैया कि सूरज डूब रहा है और अब शाम हो गई है, लो मैं भी आ गया। ये कहकर बंदर मगरमच्छ की पीठ पर उछलकर बैठ गया। बहुत दूर जाकर मगरमच्छ बंदर से बोला, बंदर भैया, असली बात तो ये है कि तुम्हारी भाभी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है, कल जब मैंने उसे तुम्हारे दिए हुए जामुन दिए और बताया कि मेरा दोस्त बंदर रोज जामुन खाता है और मुझे भी कभी कभी खिलाता है, तो वो बोली, तब तो तुम्हारे दोस्त का कलेजा बहुत ही मीठा होगा, तुम उसे यहाँ ले आओ, मैं उसका कलेजा खाऊंगी। मैंने तो उसे बहुत समझाया पर वो मानी ही नहीं और बोली, अगर तुम अपने दोस्त को मेरे पास ना लाए तो मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। हाँ, सो मैं तुम्हें अब उसी के पास ले चल रहा हूँ। बंदर अब समझ गया कि मगरमच्छ ने उसके साथ धोखा किया है, पर वो जरा सा भी नहीं घबराया। उसने अपनी बुद्धि से काम लिया और झट बोला, अजय, मैं तो अपना कलेजा पेड़ पर ही रख आया हूँ, तुमने पहले ही क्यों नहीं बतलाया, मैं उसे अपने साथ लेता आता। हर चलो, अब वापस किनारे पर चलो, मैं अपना कलेजा ले आता हूँ, फिर तुम मुझे साथ ले चलना। बंदर की बात सुनकर मगरमच्छ उसे लेकर किनारे पर गया। किनारा आते ही बंदर उछला और झट से पेड़ पर चढ़ गया और बोला, अरे मूर्ख मगरमच्छ, तू तो बड़ा ही बेवकूफ है, अरे कलेजा तो हमेशा शरीर के अंदर ही रहता है,
वो बाहर नहीं रहता। वो तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए तुमसे कहा था कि कलेजा पेड़ पर है। जा जा जा, अब मेरी तेरी दोस्ती खत्म। हाँ, ऐसे धोखेबाज लोगों से मैं दोस्ती नहीं करता। हाँ, और नहीं, और उन्हें जामुन भी नहीं खिलाता हूँ। हाँ, जा 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 जा, कह देना अपनी बीवी से कि ये खा ले, खा ले अब मेरा कलेजा। हाँ। क्यों दोस्तों, कहानी कैसी लगी? और आओ अब हम तुम्हें एक मजेदार गीत सुनाते हैं। लो सुनो। एक था काला काला बादल, एक था गोरा गोरा बादल, एक था काला काला बादल, एक था गोरा गोरा बादल। सूरज की बोली, आसमान की तीर कमान, सबकी है ये तीर कमान। वर्षा की बूंदों से होकर जब किरणें सूरज की जाती, तब उगती है तीर कमान। सात रंगों की तीर कमान, जो चाहे इसको अपना ले, सबकी है ये तीर कमान, सबकी है ये तीर कमान, सबकी है ये तीर कमान। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।